आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका फिट वर्ल्ड हेल्थ केयर में। और आज हम बात करेंगे एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा क्या होता है, एलोवेरा कैसे इस्तेमाल होता है, एलोवेरा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और एलोवेरा के प्रयोग के दौरान हमें किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। एलोवेरा को धृत कुमारी, कुआर गंधल और गुआर पाठा के नाम से भी जाना जाता है। एलोवेरा एक औषधीय पौधे के रूप में विख्यात है और इसका उल्लेख आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। एलोवेरा को सभी सभ्यताओं ने एक औषधीय पौधे के रूप में मान्यता दी है। एलोवेरा का इस्तेमाल पहली शताब्दी से ही औषधि के रूप में किया जा रहा है। इसके गूदे का प्रयोग बड़े स्तर पर सौंदर्य प्रसाधन और वैकल्पिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आजकल जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं, ज़्यादातर में एलोवेरा मेन इंग्रेडिएंट के रूप में डाला जाता है। एलोवेरा वो प्राकृतिक स्रोत है जिसमें कई तरह के गुण मौजूद होते हैं। एलोवेरा अपने चिकित्सा गुणों के लिए हजारों सालों से कई तरह की दवाइयों में प्रयोग किया जा रहा है। मुख्य रूप से पेट की और त्वचा की सभी समस्याओं के इलाज के लिए एलोवेरा प्रयोग होता है और ये लीवर और डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चीन, जापान और भारत में एलोवेरा का प्रयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। इसकी 400 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, हालांकि इनमें से 4 प्रजातियां ही हमें स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने में कारगर होती हैं। तो ये तो हुआ एलोवेरा का परिचय। अब हम जानेंगे एलोवेरा के इस्तेमाल से होने वाले फायदों के बारे में। वैसे तो लगभग हर व्यक्ति एलोवेरा के किसी न किसी फायदे के बारे में जानता है। एलोवेरा एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसके अनेक फायदे हैं। एलोवेरा घाव पर लगाने में फायदा करता है क्योंकि एलोवेरा में 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, ऑक्सिन और गिबेलेरिन, जो कि घाव को भरने, मुहासों को हटाने और चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने में मदद करते हैं। इसमें जो गिबेलेरिन होता है वो न्यू सेल्स को विकसित करता है जो कि स्किन पे हुए निशान को जल्दी और नेचुरल तरीके से कम कर देता है, जिससे घाव के निशान मिट जाते हैं। इसलिए एलोवेरा को स्किन क्लींजर भी कहा जाता है। एलोवेरा पेट से संबंधित सभी समस्याओं में बहुत गुणकारी होता है, जैसे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी में एलोवेरा का प्रयोग बहुत गुणकारी होता है। इसके साथ साथ ये UTI की समस्या में भी बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि ये एक एल्कलाइजर है। ये हमारे शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालता है जिससे सूजन भी कम होती है। एलोवेरा का रोजाना सेवन करने से शरीर की ताकत और फुर्ती बनी रहती है। एलोवेरा जलने में भी बहुत फायदेमंद होता है। सदियों से जलने की छोटी मोटी चोट के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी त्वचा पर ठंडक का एहसास दिलाता है। ये कूलिंग एजेंट का भी काम करता है, जलन को कम करता है और साथ ही साथ सूजन को भी कम करता है। स्किन के जो सेल्स जल गए हैं उन डैमेज सेल्स को रीजनरेट करता है, जिससे जलने का जख्म और निशान जल्दी खत्म हो जाता है। एलोवेरा त्वचा से संबंधित सभी समस्याओं में बहुत असरकारक होता है। एलोवेरा सदियों से स्किन प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्राई स्किन, कटी फटी स्किन को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। एलोवेरा स्किन के सेल्स को रीजनरेट करता है और त्वचा को मॉइस्चराइज रखता है, जिसकी वजह से त्वचा का ग्लो बना रहता है। एलोवेरा जेल स्किन पर लगाकर धूप में जाने से सनबर्न की समस्या भी नहीं होती। एलोवेरा विशेष रूप से सूखी और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। एलोवेरा में विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं जो स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। स्किन को साफ और मुलायम बनाए रखते हैं। एलोवेरा खून की कमी को पूरा करता है और साथ ही साथ पीलिया में भी लाभकारी होता है क्योंकि ये हमारे लीवर को बहुत फायदा पहुंचाता है। एलोवेरा बालों की चमक को भी बढ़ाता है, इससे बालों की सभी समस्याएं दूर होती हैं। डैंड्रफ के लिए भी एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये बालों को मजबूत और शाइनी बनाता है। झड़ते बालों को रोकने के लिए भी एलोवेरा के अच्छे फायदे होते हैं। एलोवेरा वजन कम करने में बहुत मददगार होता है क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे एक्स्ट्रा फैट बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता, और क्योंकि ये एल्कलाइजर का भी काम करता है इसलिए एक्स्ट्रा फ्लूइड भी बॉडी में जमा नहीं हो पाता। एलोवेरा स्ट्रेस मार्क्स को कम करता है और झुर्रियों को दूर करता है। झुर्रियों के लिए एलोवेरा की पत्तियों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि स्किन को मुलायम बनाए रखने में बहुत मददगार होते हैं। अगर स्किन पर एलोवेरा लगाया जाए तो स्किन पर कसाव आता है और स्किन हाइड्रेट रहती है और झुर्रियाँ भी कम हो जाती हैं। तो अब तक हमने जाना कि एलोवेरा के इस्तेमाल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम जानेंगे एलोवेरा का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। एलोवेरा का उपयोग आप कई तरीके से कर सकते हैं।
एलोवेरा के नेचुरली उपयोग के लिए आप एलोवेरा ले आएं और उसको बीच से काट लें और चम्मच से उसका जेल किसी बर्तन में निकाल लें। फिर आप उस ताजे एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको बॉडी पर भी लगा सकते हैं और सेवन भी कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में मेहंदी मिला के बालों में भी लगा सकते हैं, इससे बाल चमकदार और स्वस्थ रहते हैं। एलोवेरा के जेल में थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाकर कोहनी, घुटने या एड़ियों पर कुछ देर लगाकर छोड़ने से इन जगहों पर होने वाला कालापन दूर हो जाता है और त्वचा भी मुलायम हो जाती है। गुलाब जल में एलोवेरा का जेल मिलाकर त्वचा पर लगाने से त्वचा की खोई नमी लौट आती है। एलोवेरा के जेल में मुल्तानी मिट्टी या चंदन पाउडर मिलाकर स्किन पर लगाने से त्वचा के कील मुहासे आदि लंबे समय के लिए मिट जाते हैं। एलोवेरा के जेल में एक चुटकी हल्दी, एक चम्मच शहद, एक चम्मच दूध और कुछ गुलाब जल की बूंदें मिलाकर चेहरे पर और गर्दन पर लगा लें और 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे स्किन पे होने वाली झुर्रियां दूर हो जाती हैं। एलोवेरा बाजार में कैप्सूल, जूस और जेल के रूप में बहुत आराम से मिल जाता है। आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कैप्सूल का प्रयोग करना चाहते हैं तो 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल जूस के फॉर्म में करना चाहते हैं तो 15 से 20 ml सुबह और 15 से 20 ml शाम को सेवन कर सकते हैं। अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल जेल के फॉर्म में करना चाहते हैं तो कोशिश करें नेचुरली जेल का ही सेवन करें। जो मार्केट में एलोवेरा जेल मिलते हैं उसे आप बॉडी पर लगा सकते हैं। एलोवेरा के सेवन के दौरान हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एलोवेरा के सेवन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, परंतु फिर भी आप एलोवेरा का सेवन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ना करें। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में एलोवेरा का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आप अगली वीडियो आयुर्वेद के किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमको ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ और उन सब के साथ जिनको आपको लगता है इस वीडियो से मदद हो सकती है। और ऐसे ही आयुर्वेद और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए फिटवर्ल्ड हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।